नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवाड़ी पुलिस ने दो अलग अलग जगहों पर संचालित स्पा सेंटर पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 12 युवक एवं 14 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि भिवाड़ी के कैपिटल हाई स्ट्रीट में संचालित एक स्पा सेंटर पर डीएसपी सिकाओ रोहतास देव बंदा ने बोगस ग्राहक भेजकर 9 युवक एवं 7 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ भिवाड़ी डीएसपी हरिराम कुमावत ने अलवर बाईपास स्थित जेनेसिस मॉल में एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 3 युवक एवं 7 युवतियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन भिवाड़ी के अंदर बढ़ते अपराधियों का ग्राफ को देखते हुए अवैध रूप से वेश्यावृत्ति एवं स्पा सेंटर पर देह व्यापार का धंधा लगातार पनपता जा रहा है, जिससे आम लोगों का जीना दूभर होता है। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के निर्देश से दो टीमें बना करके और भिवाड़ी कस्बे में स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। दो जगह कार्रवाई की गई है। एक जगह टीम का नेतृत्व श्री रोहतास देवंदा DYSP सिकाऊ ने किया और एक जगह मेरे नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें एक टीम ने जेनेसिस मॉल के स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की और दूसरी टीम ने कैपिटल हाई स्ट्रीट पर कार्रवाई की गई। कैपिटल हाई स्ट्रीट की कार्रवाई में 7 युवतियाँ और 9 युवक पकड़े गए हैं, जो जिनके साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े और बोगस ग्राहक से कार्रवाई की गई, तो पीटा एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जेनेसिस मॉल से भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, तो उसमें जेनेसिस मॉल से 7 युवतियाँ और 3 युवक पकड़े गए हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।